तो कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चीज़ें पेरिकार्डियल डिजीज़ के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने हार्ट का एक सिंपल फंक्शनल डायग्राम ड्रॉ किया है और ये जो बाहर है वो है आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम के आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं पेराइटल लेयर और इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं विसरल लेयर तो पेरिकार्डियम के दो प्रकार के लेयर्स होते हैं फिर इस पेरिकार्डियम में एक कैविटी होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूड स्टोर हुआ होता है इस फ्लूड की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि सबसे पहले ये इसकी अमाउंट 30 टू 50 एम होती है स्टोरेज अमाउंट इसका कलर एकदम क्लियर होता है ये क्लियर कलर्ड फ्लूड होता है और ये बहुत ही पतला यानी कि बहुत ही थिन फ्लूड होता है अगर हम बाकी के फ्लूड्स की बात करें बॉडी में तो ये सब नॉर्मल कंपोजिशंस हमने इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की देखी अब आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियल डिजीजेज में दो टाइप के पेरिकार्डियल डिजीजेज होते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी जो पेरिकार्डियल डिजीजेज है वो मोस्टली सेकेंडरी होती है किसी भी अन्य प्रकार की डिजीज़ की तुलना में यानी कि द पेरिकार्डियल डिजीजे आर मोस्टली सेकेंडरी टू द डिजीज इन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स यानी कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या कोई और प्रकार की बीमारी हो उसकी इफ़ेक्ट के कारण हमें पेरिकार्डियल डिजीजेज होती है मोस्टली अगर हम देखें जो प्राइमरी पेरिकार्डियल डिजीज है वो मोस्टली अकर होती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से ठीक है अब आगे हम देखें तो सबसे पहली जो पेरिकार्डियल डिजीज है वो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन ठीक है अब इस इफ्यूज़न हम किस चीज़ को कहते हैं जब कोई भी अमाउंट ऑफ फ्लूड उसकी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा यानी एक्सेसिव अमाउंट में किसी भी कैविटी में फिल हो जाए तो उसे हम इफ्यूजन कहते हैं तो यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी में हमने बताया है कि फ्लूड एक्सेस अमाउंट में है तो उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड अब ये फ्लूड की मात्रा 50 एम से ज़्यादा होगी तब हम इसे बोलेंगे कि इट इज़ अ पेरिकार्डियल इफ्यूजन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेरिकार्डियल इफ्यूजन अब आगे हम देखें तो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के दो प्रकार होते हैं यानी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड फर्स्ट इज सीरस एंड द सेकेंड वन इज ब्लड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट न जब भी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कोई भी प्रकार का ब्लड अगर एक्स्यूडेट यानी जो इन्फ्लामेशन के वक्त जो फ्लूड ऊज आउट होता है ब्लड वेसल से बाहर अगर पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड के साथ वो एक्स्यूडेट फील्ड है तो उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस यानी इफ़ द पेरिकार्डियम इज़ फिल्ड विद ब्लड एंड एक्स्यूडेट देन इट इज़ टर्म्ब एज हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस ओके एक और चीज़ जो नोट करने की है वो है कि अगर यहाँ पे पेरिकार्डियम अगर सिर्फ ब्लड से फिल हुआ हो यानी कि इफ द पेरिकार्डियम इज़ ओनली फिल्ड विद ब्लड देन इट इज़ टर्म्ड एज हीमोपेरिकार्डियम क्या बोलेंगे उसे हीमोपेरिकार्डियम ठीक है ओनली ब्लड देन हीमोपेरिकार्डियम ब्लड प्लस एक्सीडेट देन इट इज हैमरेजिक पेरिकार्डाइटिस ओके नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो है हीमोपेरिकार्डियम इट्स द सेकेंड टाइप ऑफ पेरिकार्डियल डिजीज सो जैसे कि हमने आगे देखा वॉट इज हीमोपेरिकार्डियम हीमोपेरिकार्डियम इज अ कंडीशन इन विच देर इज ब्लड अक्यूमुलेटेड इन द पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोपेरिकार्डियम ठीक है अब उसे अगर हम एक डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें तो ये मैंने एक लेफ्ट हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया है सिंपल फंक्शनल डायग्राम है एनाडामिकल डायग्राम नहीं है और ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो है पेरिकार्डियल फ्लू कैविटी ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने बताया है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है पेरिकार्डियम में तो उसकी वजह से हम इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोपेरिकार्डियम अब ये किन किन चीज़ों से होता है यानी कि कॉजेज ऑफ हीमोपेरिकार्डियम क्या है वो हम अगर देखें तो सबसे पहला जो कॉज ऑफ हीमोपेरिकार्डियम है वो है रप्चर ऑफ मायोकार्डियम ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होगा उसके कारण जो मायोकार्डियल टिश्यू है उसमें रपच्चर होगा जिसके कारण पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूड ब्लड अक्यूमलेट होगा और उसे हम बोलेंगे हीमोपेरिकार्डियम तो अगेन मैंने एक सिंपल फंक्शनल डायग्राम ड्रॉ किया है लेफ्ट हार्ट का राइट right हार्ट में भी सेम एक्टिविटीज़ होंगी ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो है मायोकार्डियल इन्फॉक्टेड एरिया हार्ट का जो एरिया जिसके जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन से अफेक्टेड है वो है तो सबसे पहला स्टेप जो हम देखें तो जहाँ भी जिस भी टिश्यू में मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा उस टिश्यू का सॉफ्टनिंग हो जाएगा यानी देर विल बी सॉफ्टनिंग ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन उसके बाद देखें तो क्या होगा जैसे इन्फाक्शन होगा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी अगर इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यानी डब्ल्यू का इन्फ़िल्ट्रेशन होगा जिसके कारण कारणवश जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ है वो और ज़्यादा डैमेज होंगे यानी कि ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द डब्ल्यू द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन बिगिनस अब जस, जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का यानी कि स्ट्रॉन्ग सिस्टली होगी हार्ट की तो ये जो स्ट्रोंग कॉन्ट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्टेड ऑलरेडी डैमेज टिश्यू है वो इस फोर्स को सहन नहीं कर सकेगा और वो रप्चर हो जाएगा यानी कि वेन अ स्ट्रोंग सिस्टली और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट अकर्स देर विल बी रपच्चर ऑफ दट माई इन्फक्टेड पीस ऑफ टिश्यू यानी कि वहाँ वो पूरा का पूरा टिश्यू रपच्चर हो जाएगा और ब्लड को एक रास्ता मिल जाएगा पेरिकार्डियल कैविटी में एंटर होने का और जो डिजीज कॉज होगी उसे हम कहते हैं हीमो पेरिकार्डियम तो इस प्रकार से हीमोपेरिकार्डियल डिजीज कॉज होती है ये पहला कॉज है हीमोपेरिकार्डियम हीमोपेरिकार्डियल डिजीज का अब ये डन एंड डस्टेड हो गया है होप आपको समझ में आया हो नेक्स्ट अप जो है वो है रप्चर ऑफ एओटा अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो इंटीमल रप्चर ऑफ एओटा इसको भी समझने के लिए अगर मैं ये फिर से सिंपल फंक्शनल डायग्राम ड्रॉ करूँ लेफ्ट हार्ट का तो क्या होगा जैसे कि आपको पता है एयोटा तीन लेयर्स से बना होता है सबसे अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं इंटीमा बीच वाले लेयर को हम बोलते हैं मीडिया ट्यूनिका इंटिमा ट्यूनिका मीडिया और जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया ठीक है अब रप्चर ऑफ एओटा में क्या होगा कि कोई भी कारणवश इंटिमा होगा उसका रप्चर होगा यानी कि देर विल बी अ इंटीमल लीजन ऑफ द ठीक है यानी जो इंटीमल लेयर है उसमें रप्चर होगा अब जैसे कि आपको पता है लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो ब्लड जाएगा सीधा एटा में अब एटा में अगर एक टिश्यू पीस ऑफ टिश्यू रपच्चर है तो ब्लड इंटीमल लेयर में से बाहर निकल के वॉल ऑफ एटा में एंटर हो जाएगा वॉल ऑफ एटा में अगर वो ब्लड एंटर हो गया तो उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सीधा पेरिकार्डियल कैविटी में एंटर हो सके तो अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंटीमल लीजन ऑफ एयोटा यानी कोई भी कारणवश इंटीमल लीजन हुआ होगा अगर एरोटा में तो वो सबसे पहला स्टेप है उसके बाद जो है द धैन द सेट जेट ऑफ कॉल ब्लड कॉलम एंटर्स इन द वॉल ऑफ एरोटा यानी कि जो इं, इंटिमल लीजन है वहाँ से ब्लड वॉल ऑफ एरोटा में एंटर होगी उसके बाद जैसे ही वो वॉल ऑफ एरोटा में एंटर होगी उसके चांसेस पेरिकार्डियल कैविटी में एंटर होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यानी कि ब्लड अब पेरिकार्डियल कैविटी में एंटर होने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो चुका होगा और जो अगर ब्लड एंटर होकर एक्यूमलेट हो गया तो फिर से हीमोपेरिकार्डियम डिजीज कॉज होगी तीसरा जो कॉज है हीमोपेरिकार्डियम का वो है ट्रॉमा। चौथा हम बाद में डिस्कस करें पर ट्रॉमा सिंपल है डायरेक्ट ब्लो अगर किसी भी पेरिकार्डियल टिश्यू को हुआ जो हार्ट को मायोकार्डियम को भी अफेक्ट कर रहा हो जैसे कि डायग्राम में मैं बता रहा हूँ ये नाइफ है अगर आपको समझ में ना आए तो, तो कोई किसी भी कारणवश अगर नाइफ आपको किसी ने मारी या आपको लग गई और वो मायोकार्डियम के साथ पेरीकार्डियम को भी अफेक्ट कर रही है डैमेज कर रही है तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा डायरेक्ट ब्लो ठीक है डायरेक्ट ट्रॉमा टू द मायोकार्डियम अब इसके बाद क्या होगा कि अगर डायरेक्ट ट्रॉमा आ गया है तो ब्लड इजीली पेरीकार्डियल कैविटी में एंटर हो जाएगा और ब्लड अगर एंटर हो गया तो उस कंडीशन को वापस हम क्या बोलेंगे हीमो पेरिकार्डियम ओके सो दिस इज द थर्ड टाइप थर्ड कॉज विच कैन थर्ड कॉज ऑफ हीमोपेरिकार्डियम ओके नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ और फाइनल कॉज है हीमो पेरिकार्डियम का और भी ज्यादा कॉजेज है हीमोपेरिकार्डियम पे पर ये चार कॉजेज मेन है तो जो फाइनल फोर्थ हीमोपेरिकार्डियम का कॉज है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाल्वुलर रिंग बनाई है अगर किसी भी कारणवश अगर इस वाल्वुलर रिंग में इन्फेक्शन हो गया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है तो वो इस वाल्वुलर रिंग को डैमेज करेगा डैमेज करेगा तो वो वाल्वुलर रिंग एप्सिस में कन्वर्ट होगा अब ये एप्सिस है वो किसी भी प्रकार से आपके मायोकार्डियम को भी डैमेज कर सकती है और ब्लड को एक रास्ता दे सकती है पेरी में एंटर होने का तो सबसे पहला जो स्टेप है हम देखें तो ड्यू टू इन्फेक्शन द वाल्वुलर रिंग एप्सेस इज डैमेज ठीक है इन्फेक्शन के कारण वाल्वुलर रिंग जो डैमेज हो जाएगी वो वाल्वुलर रिंग एप्सेस बनेगा फिर वो वाल्वुलर रिंग एप्सेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज करेगा और अगर ऑर्गेनिज्म और भी ज़्यादा अग्रेसिव है तो वो रपच्चर करेगा एंडोकार्डियम को और इस एप्सिस को और ब्लड इजीली पेरिकार्डियल कैविटी में एंटर हो जाएगा इफ द ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी अग्रेसिव देन इट विल रपच्चर द एपसिस ठीक है और इसके कारण जो ब्लड जो है पेरिकार्डियल कैविटी में इजीली एंटर हो जाएगा और फिर से हीमोपेरिकार